हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा बोध का प्रश्न एक और दो किया था और तीसरा प्रश्न था खालिस्तान का, जो शीट में आपने कर लिया होगा। आज हम करेंगे भाषा बोध का प्रश्न चार। क्या कहता है ये प्रश्न? बे और ला उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। उपसर्ग क्या होते हैं? जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, उसपे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम कोई भी एक शब्द किसी और अर्थपूर्ण शब्द के साथ लगाते हैं, तो उसके बाद दोनों को मिला के जो शब्द बनता है, वो उस शब्द से एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर हमने हद, हद के साथ क्या लगाया? बे। और एक और शब्द क्या बना? बे हद। यानी कि किसी भी शब्द के साथ हम कोई और शब्द लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे मिसाल, मिसाल के साथ हमने बे लगाया तो क्या बना शब्द? बे मिसाल। हिसाब के साथ बे लगाया तो बे हिसाब। बे ईमान, बे ईमान, बे ईमान। ऐसे हमने यहाँ पे ल उपसर्ग लिया है। यहाँ हमने लिया है बे उपसर्ग और यहाँ हमने लिया है ल उपसर्ग। जवाब में ल लगाकर क्या बनता? ला जवाब, ला परवाह, ला इलाज, ला पता। तो इस तरीके से हम उपसर्ग लगाकर किसी भी अन्य शब्द के साथ एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यानी कि एक वाक्य के लिए हमें एक शब्द लिखना है, उसको कहते हैं वाक्यांश। जैसे मंगल या भला करने वाला, अब ये एक वाक्य है कि मंगल करने वाला, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। क्या होगा इसका? मांगलिक। क्या बनेगा इसका शब्द? मांगलिक। जो वैदिक काल का हो उसको क्या बोलेंगे? वैदिक। ऋषि मुनि के रहने का स्थान, अब हमें ये बताना है अगर कहीं कि ऋषि मुनि के रहने का स्थान, तो हम उसको एक शब्द में भी बता सकते हैं, जैसे आश्रम। मन की इच्छा के अनुरूप, मन वांछित, यानी कि जो हमारी मन के इच्छा के अनुरूप है। कलम लगाकर तैयार आम की प्रजाति, कलमी। गुठली से तैयार आम की प्रजाति, बीजू। ठीक है, अगला प्रश्न है संज्ञा से विशेषण बनाओ। ये हमने पिछले पाठ में भी किया था और मैंने आपको उसमें भी समझाया था। हमें क्या करना है? संज्ञा हमें दी गई है, उससे हमें उसका विशेषण शब्द बनाना है। जैसे रस, रस का विशेषण क्या होगा? रसीला। आम कैसा होता है? रसीला। स्वाद, स्वादिष्ट। तूफान, तूफानी। कलम, कलमी। मंगल, मांगलिक। बीज, बीजू। इस तरीके से हम संज्ञा से विशेषण शब्द बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सारा काम आपको अपनी हिंदी की किताब में करना है और कॉपी में नहीं करना है, सारा काम आपको अपनी हिंदी की किताब में करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।